कक्षा 8 पाठ 9 सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन तथा क्या, ये 11 मूल सर्वनाम हैं जो इसमें प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के भेद प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुष वाचक सर्वनाम, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य जिसके बारे में कोई बात या संकेत हो के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप आदि वक्ता, श्रोता तथा अन्य वास्तव में 3 पुरुष कहलाते हैं। अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा आदि उत्तम मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा आदि अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उसका, उनका आदि। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट अथवा दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध या संकेत कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह, ये, इस, इन निकट के व्यक्ति या पदार्थ के लिए, और वह, ये, उस, उन दूर स्थित वस्तु या वस्तु के लिए। यह रही तुम्हारी पुस्तक, वह रहा पेन, उठाओ और जाओ, इस वाक्य में वह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध या संकेत न करवाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। दूध में कुछ पड़ गया लगता है, कोई मुझसे मिलने आ रहा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम संयोजक का काम करता है और सदा विशेषण उपवाक्य से पूर्व प्रयुक्त होता है। जैसे नंबर 1 उस लड़के के पास एक पुस्तक है जो उसे इनाम में मिली थी। नंबर 2 गाय जो सोता है। नंबर 2 जो सोता है वह खोता है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन आया था। नंबर 2 क्या चाहते हो। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, निज सर्वनाम पद से निजत्व अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, आ जाऊंगा, तुम, आप ही आ गए थे। नंबर 2 वह आप ही चला जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा।